आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत विशेष होता है। इस पवित्र महीने के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए कहा, देवाधिदेव महादेव के परम प्रिय श्रावण मास और श्रावण मास के प्रथम सोमवार की प्रदेश वासियों एवं सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। हर हर महादेव, यह संदेश उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ओम सर्वेश्वराय विद्महे सूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। देश के समस्त शिव भक्तों व श्रद्धालुओं को भगवान शिव को समर्पित पवित्र श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव जी आप सभी को स्वस्थ रखें, आरोग्यता प्रदान करें एवं सुख समृद्धि संपन्नता का आशीर्वाद दें। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और यह पूरा महीना पुण्य प्रभाव का माना जाता है। इस दौरान विशेष रूप से सोमवार के दिन की महत्ता होती है। शिव भक्त इस दौरान गंगा जल भरकर कांवड़ लाते हैं और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को यह जल अर्पित करते हैं। इस बार यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखने का आदेश दिया है। इस आदेश को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं और इसे वापस लेने की मांग की है।